Hello, my dear children. How are you? I hope you all are fine. Isn't it? Yes. So, let us start our day with Ganpati slok. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके चिल्ड्रन, हमने लास्ट टाइम हिंदी में क्या पढ़ा था याद है? कौन बताएगा? चलो मैं बता दूं। यस, तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था यहाँ तक, है ना? त थ द ध, फिर हमने न पढ़ा था, प फ ब और भ पढ़ा था, है ना? उसके बाद भी एक पढ़ा था, म भी पढ़ लिया था ना, य भी पढ़ लिया था। यस, तो आज हमारा टर्न है र से, राइट? चलो, मैंने तो पेज भी फोल्ड करके रखा है। हाँ स्टूडेंट, राइट। चलो फटाफट से रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। चलो, ब से क्या होता है? बतख। क्या होता है? बतख। कैसे लिखते हैं? हमने गुजराती का जो व सीखा था ना, बस वही व करके इन द मिडल स्लीपिंग स्लांटिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हो गया ब। भ से होता है भगत। भगत को कैसे लिखते थे? ब्लू लाइन में एक छोटा सर्कल स्टैंडिंग, फिर एक सर्कल स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग, ये हो गया भ। थेराफ्टर म, म और भ मैंने लिखा है, देखो बाजू बाजू में भी, राइट? आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, उस तरीके से ही पढ़ाया है, राइट? चलो, म में स्टैंडिंग एक सर्कल स्लीपिंग स्टैंडिंग, ये हो गया म से मछली। ये होमवर्क कंप्लीट किया है ना बच्चों? यस, तो बहुत ही अच्छा। चलो ये भी देख लो, कंफ्यूजन वाला पॉइंट, राइट? बट कंफ्यूजन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये प है और ये य है, क्यों मेरे बच्चों? Yes. चलो ये हो गया य। य से होता है यज्ञ। चलो आज हम क्या सीखेंगे? र। र से होता है रथ। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक कर्व करना है, फिर एक स्लांटिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग। र से रथ। चलो मिडल लाइन में एक कर्व, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लांट लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। र से रथ। ओके, चलो यहाँ पे अब ले लेते हैं कैसे करना है। एक सर्कल और स्लांट र। सर्कल यानी हाफ सर्कल, हाँ, एक कर्व और स्लांट, ऊपर स्लीपिंग लाइन। एक को स्लांट स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट, चलो टर्न योर पेज, ल लिख लेते हैं। चलो ल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहां से स्टार्ट करना है, ऊपर जाना है, राइट? ऊपर एक ऐसा को, फिर यहाँ पे से एक दूसरा को स्टैंडिंग, ऊपर स्लीपिंग। चलो देखो यहाँ पे ये जो लास्ट ब्लू लाइन है वहां से हम ऊपर जाएंगे, फिर मिडल में आएंगे, फिर वापस रिवर्स जाके यहाँ पे टच करेंगे स्टैंडिंग, ऊपर स्लीपिंग। ल से होता है लट्टू। चलो बोलो, ल से लट्टू। फॉर्मेशन समझ में आ गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया? वेरी गुड माय चिल्ड्रन। चलो अब यहाँ पे फिर से, चलो बोलो मेरे साथ कैसे करना है। यहाँ से ऊपर, फिर से यहाँ पे स्टैंडिंग,
ऊपर स्लीपिंग। ठीक है, चलो एक और बार। ठीक है, ल से लट्टू। चलो वो तो आता ही है, क्यों? क्योंकि हमने अभी ही जस्ट कौन सा वर्ण किया बच्चों? एक मिनट, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई। चलो ये यहाँ पे कर देती हूँ, ये अभी ही हमने पढ़ा है ना, ब, ब और व दोनों फ्रेंड, इसलिए नो कंफ्यूजन। चलो कैसे करेंगे, बस एक ऐसा वाला कव करके, स्टैंडिंग करके ऊपर स्लीपिंग, बीच में स्लांटिंग लाइन लगा देते हैं तो ब हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों? हाँ बोलो ना। चलो वो से क्या होता है पता है? वॉक होता है। क्या है ये? वॉक, वो से वॉक। चलो यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी ले लेते हैं भाई, है ना? शो 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 पढ़ लेना है। पढ़ लेते हैं, बहुत इजी, गुजराती का शो पढ़ा है ना, बस ऊपर स्लीपिंग लाइन लगा देनी है। चलो फॉर्मेशन देख लेते हैं फटाफट से। एक सर्कल, फिर र की तरह, हमने ये र सीखा ना अभी, बस ऐसे यहाँ पे क्या कर देना है, देखो बच्चों, ये हमने इस तरीके से किया ना, इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये और ये, बस हो गया श, राइट? और लिखना भी कितना है आपको, बस एक ही लाइन में ट्रेसिंग ही दिया है। स्टूडेंट्स मजा आ गया ना आप लोगों को तो, गजब का, मुझे भी मजा आ गया। ऐसे मुझे थोड़ा ऐसा लगता है मेरे बच्चे थक जाते होंगे, है ना, वर्क करके, कि मजा आता है। फिर अच्छा है, मम्मी सिर्फ रफ में ही वर्क करवाएगी, क्यों बच्चों, है ना? चलो तो फिर ये है श, श से क्या होता है? शलगम। ठीक है, चलो ये भी श ही है। स्टूडेंट्स कैसा वाला पता है, हमने क्या सीखा था? प सीखा था ना, बस अब इसी प को हम क्या करेंगे, सिर्फ बीच में ऐसी स्लांट लाइन। अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे ना तो ब, है ना? हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे पास पास के है ना, बहुत फ्रेंड वाले, कंफ्यूजिंग, बट हम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम सब साथ में ही पढ़ते हैं, है ना स्टूडेंट? तो ये प है, श है, ब है, ठीक है। ब का फ्रेंड कौन हो गया? व हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ स्टूडेंट, इसमें ऐसा कव नहीं आता, ये गुजराती का आता है, इसमें ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन आती है। चलो स्टार्ट करेंगे, बस सिर्फ क्या करना है हमें, प लिखना है, स्लांट लाइन कर देनी है, ऊपर करनी है स्लीपिंग लाइन, है ना? कितना इजी, जबरदस्त, राइट? चलो श से हो गया षटकोण, ये षटकोण है जिसको आप हेक्सागोन बोलते हो ना उसको। चलो अब ये भी स है, बस गुजराती का सौ सीखा है ना, नहीं सीखा है, नहीं आपको तो कहाँ गुजराती आती है, कोई बात नहीं। चलो ये हिंदी का सौ ले लो तो गुजराती में हेल्प आ जाएगी आपको, है ना? चलो सौ कैसे करेंगे, बस र की तरह, हर जगह र याद रखना है, बस इसको स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ऊपर स्लीपिंग, राइट? सौ से होता है सपेरा, सो सो। ठीक है, चलो लास्ट है ह, बस यही लास्ट, हाँ चलो ह देख लो भाई। पहले क्या करना है, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक ऐसे कर्व करना है इस तरीके का, ड जैसे बनाते हैं ना, बस उस तरीके से, और यहाँ से वापिस से ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, चलो ना पता चले तो इसमें भी दिया है, देखो चलो करूं, स्टैंडिंग छोटी सी, एक कर्व कहाँ तक, येलो लाइन तक, फिर उसको नीचे थोड़ा कर्व लेना है, राइट? अच्छा हम डॉ कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो तो ऐसे बनाते हैं ना, बट इसको वापस इतना नहीं लेके जाना है, बस इतना तक ही रखना है, और बस यहाँ से ऐसे, ये नहीं लिखना है बस। ठीक है, चलो।
हॉ से क्या होता है बच्चों पता है? हॉल क्या होगा? हॉ से हल। एक हल ये भी है और एक हमारी समस्याओं का भी हल है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? हल यानी सॉल्यूशन बोलते हैं। और बट ये हल है वो खेतों में काम आता है, वो वाला हल है। बस यहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा होमवर्क मिलेगा तो फिर अभी थक जाओगे, इसलिए बस यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, आज थोड़े वर्ण ज़्यादा पड़े हैं बट वर्क थोड़ा कम रहेगा। ओके तो यहाँ तक रख रहे हैं। स्टे होम स्टे हेल्दी बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम में, बट बी सेफ। ओके चिल्ड्रेन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।